देखिए अपनी अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई बौखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है पहला मुकाबला है भाजपा का और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। पहले इन लोगों ने सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया, आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनावी रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर ये कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, आप सोच सकते हैं। देखिए हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज स्केड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर पहुंचे लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा,
क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है, लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रहे व्रत कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। तो लग रहे हैं 2024 के तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ये आज जो चंडीगढ़ में हुआ ये झलकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में भी हर संभव हथकंडा अपनाएगी चुनावों को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, निष्पक्ष चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसीलिए इस देश की 135 करोड़ जनता को साथ आना होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना होगा और मजबूती से भाजपा का सामना करना होगा। बाकी बातचीत एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद करेंगे। हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि निष्पक्ष चुनाव हो और नए प्रिसाइडिंग अफसर आज ही नियुक्त किए जाएं, ताकि आज ही निर्धारित जो डेट है उस पर चुनाव कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।